से संदीप द्विवेदी, आज हम खड़े हैं नासिक की फल मंडी, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेब की फसल है। और ये सेब की फसल, ये शिमला की फसल नहीं है, ये बाहर से आई हुई, विदेश से आई हुई फसल है। तो जानते हैं इसकी हकीकत कि कितना रेट बढ़ा और आज का रेट क्या है, किसानों को और व्यापारियों पर इसका कैसा असर है। मेरा नाम संबल देव यादव है। ये आप सेब कहाँ से मंगाते हैं? ये बॉम्बे से आता है। कितना आया? अभी मंडी में यह समझ लीजिए कि कभी कभी कंटेनर आता है, कभी कभी दो चार राशन लोगों के आते हैं, और हम जो है 150 करेट खाली मंगाते हैं रिटेल बेचने के हिसाब से। अभी क्या रेट चल रहा है, कितने रुपए किलो? अभी 1100 से 1200 रुपया 10 किलो चल रहा है, जैसा माल वैसा रेट। अभी जैसा कि आगे आने वाले समय में नवरात्रि, चैत नवरात्रि, मराठी नववर्ष आ रहा है, क्या उस पर असर दिखेगा? हाँ, उस समय थोड़ा बाज़ार बढ़ सकती है, आगे बाज़ार बढ़ने की संभावना है। अभी बॉम्बे में कितना स्टॉक है लोगों के पास, उसके हिसाब से वो लोग वहाँ की बाज़ार देख करके फिर माल निकालते हैं। सेब की फसल के लिए 3-4 डिग्री बहुत है। तो आप कैसे, मतलब नासिक का तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो आप कैसे मनाते, इतना कम तापमान कैसे करते हैं? अच्छा है कि लोग मतलब कि चेंबर बना के रखे हैं एसी, वो मतलब माल को ठंडा करते हैं और 2-4 दिन में वो माल को निकाल देते हैं, वो माल 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता।